Hey, Tess. क्या रो रही है? तमाशा करती है? छी, ए ठीक से निकलना, ऐसा क्या निकलता? ए लड़की, रो मत लड़की, मैं बोल देती हूँ। कुछ नहीं होता रोने धोने से, अपनी तकदीर नहीं बदलती, समझी क्या? ए गजरा ठीक कर, अगर रोने धोने से तकदीर बदलती तो मैं नहीं रोती, मैं नहीं अपनी तकदीर बदल लेती। आए हो गया ना, जाओ उधर। मैं भी बहुत रोई थी जब लोगों ने मुझे नामर्द कहा, हिजड़ा कहा, लेकिन मेरी तकदीर में था हिजड़ा बनने का, मैं हिजड़ा बन गई। तेरी तकदीर में है रंडी बनने का, तू रंडी बनेगी और टॉप की रंडी बनेगी, बोलती हूँ। ए पकड़ रे साइड हीरो, ठीक से पकड़। हाँ, अपने आप से समझौता कर ले, नहीं तो पछताओगे। हाँ, तकदीर से नहीं खेलना कभी। देख देख देख, रो रो के क्या सूरत बिगाड़ दी इसने। ए रोना नहीं, अगर तेरी सूरत बिगड़ गई तो तुझे कौन खरीदेगा, कौन बोली लगाएगा तेरी। हाँ रोना नहीं, अगली पूरनमासी के लिए तैयार रहना। तुझे मालूम नहीं तू क्या चीज है, पूरे बाजार में आग लगा देगी तू आग। ए रवि, अरे यूं ही उदास बैठा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ये क्या हो जाता है तुझे, साला कुछ समझ में नहीं आता। सलीम भाई, ओ सलीम भाई। हाँ, अपने पास एक आइडिया है। क्या? रवि की शादी करा देते हैं, भाभी परेशान करेगी, खुद ही बोलेगा। लो गोटिया भी आ गया। हाँ गोटिया, इधर आ, बात सुन। क्या? कोई लड़की बिड़की है क्या दिमाग में जिससे अपन रवि भैया का शादी वादी करा देवे? अरे लड़की वड़की का चक्कर छोड़ना यार, अगर इसकी किस्मत में लड़की होगी ना तो अपने आप टपक जाएगी क्या? ये ऊपर वाला है ना, सबका प्रोग्राम फिट करके रखता है पहले से। हाँ अरे रवि चल यार, चल मेरे को चंदा के पास छोड़ दे यार, चल। नहीं गोटिया, तू कोई दूसरी टैक्सी ले ले। अरे चलना यार, इधर बैठा रहेगा तो खाली बिल्ली दिमाग और खराब होएगा, मेरे साथ चलना तो। अरे कुछ काम कर। देख सच्ची बात तो ये है कि अपने वो किसी ने किसी को तो भाड़ा देने का ही है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो अपने दोस्तों का कौन नहीं देने का? चल यार चलना तू भी यार, चल आजा। अच्छा रवि, अभी आता मैं। पकड़, बोलो उसको पकड़, भागने ना पाए, पकड़ उसको। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचाओ। चल निकलना बाहर, निकलना, बोलो लेके जाओ ऊपर, ले जा। ये ऊपर जब लड़की जाना नहीं चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चलना तू अपना काम कर, चल। तेरी तो मैं इसको पढ़ना नहीं, मार के रख दूंगा। हाँ लेके जा, लेके जा, ले जा, जा जा, लेके जा। शहर में तुम पहले आदमी हो जिससे मुझे डर नहीं लगा। मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचाओ। सात साल, इन सात सालों में आज तुमने पहली बार अपनी मरी हुई बहन की बात ना करके किसी जिंदा लड़की की बात की है। अब मुझे लगता है कि तू बच जाएगा। वो मासूम चेहरा अब तक मेरी आंखों के सामने घूम रहा है सलीम भाई, वो बुला रही है मुझे, मेरी मदद चाहती है। मेरे कितने पैसे पड़े हैं आपके पास? तुम्हारी सात साल की कमाई, ये कोई 30,000 रुपए। वो आज मुझे दे दीजिए, मैं आज ही उसे लेकर आऊंगा। जिंदगी भर की कमाई दांव पे लगा दिया? मोहब्बत क्या चीज है ये, अपुन को पूछो अपुन को। ये साली एक ऐसी आग है ना, जो एक बार लग जाए तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बुझने का नाम ही नहीं लेती। एक गोटिया, उन लोगों के साथ मेरा लफड़ा हुआ था। हाँ? अगर वो लोग मुझे पहचान ले तो
अरे क्या बकवास करता है यार रवि तू। अरे उधर ऐसी हजारों की संख्या में बेवड़े चरसुल्ले गर्दुल्ले घूमते रहते हैं कि उनका बाप उनके सामने से कभी निकल जाए तो वो लोग पहचान नहीं सकते, तो तेरे क्या पहचानेंगे यार, तू भी क्या बात। अच्छा तो एक काम करना, तू वहाँ बिल्कुल चुप रहना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ और जो बचा कुचा है वो अपना गुल्लू संभाल लेगा। गुल्लू? गुल्लू कौन? क्या बात करता गोटिया साहब तुम, महारानी के अड्डे से लड़की भगा के ले जाने का? अरे तुमको मालूम नहीं कितना मुश्किल है ये। मुझे सब मालूम है गुल्लू, मगर ये काम तुझे कैसे भी करना ही पड़ेगा। कैसे कर दूं यार, कैसे कर दूं? देखो साहब ये गली में अपुन का धंधा पानी चलता है, जब वो लड़की वापस नहीं आएगी तो अपुन की तो रोजी रोटी छिन जाएगी। सोचा है क्या होगा अपुन का कल? तू उस कल की सोच गुल्लू, तलाई का काम करके तुम ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? हाँ क्या होगा कल जब तुम्हारे पापों का हिसाब लिया जाएगा? अरे एक नेक काम तो कर दे। ए चाबी के गुलाम, तेरे को दरवाजे पे क्या बिठाया, बंद करके ही बैठ गया? ए चरसी, देखता नहीं कि नवीन ग्राहकी लाया मैं? ए बेबकत की औलाद, दरवाजा खोल। ए बोलो। अरे चेट आओ, से आओ, आइए आइए गोटिया सेठ आइए। तुम्हें हमारे यहाँ आने के लिए दल्लों की जरूरत कब से पड़ने लगी? आजा आजा। अरे सेठ मेरे दोस्त को लाया हूँ मैं। अच्छा, नया नया छोकरा है ना, शर्मा रहा है थोड़ा थोड़ा। वाह बैठ जा बैठ जा, फॉरेन से आया अभी अभी, बहुत मालदार पार्टी है इसीलिए तो तुम्हारे पास लाया मैं इसको। सेठ अक्खा मार्केट में इस अड्डे से अच्छा माल कहीं नहीं, ये आप उनका गारंटी। वो तो ठीक है, लेकिन लड़कियां तो बुला। हाँ क्यों नहीं जा भाई, बुला सबको। सेठ देख उधर देख, मुझे वो लड़की चाहिए। वाह क्या ग्राहकी है बाप, इसको भी वही लड़की चाहिए जिसकी की आज बोली लगने वाली है। ओह, अरे उसको काहे को बाहर लाया रे, वो तो लड़की बिक चुकी है, इन साहब ने 10,000 की बोली लगाई है। जा ले जा अंदर। नहीं, 12,000। अरे बाबा बोला ना सौदा हो चुका है, तू कोई और लड़की ढूंढ ले। वो देख बहुत चिकनी है, 2,000 के लिए हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे, बोल देते हैं 15,000। 15? ये हुई ना कोई बात। देखा महारानी, लड़की की सही कीमत तो अब हो रही है, इसलिए मैं बोलता था कि बिना दलाल के माल बेचोगी तो घाटे में रहोगी। मैं भी 15,000 देने को तैयार हूँ। 20,000 अगर बातचीत पे अड़ी आई है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। 30,000 ये रहे, 30,000 और ये 2, 35, ये 35,000 रुपए। 35? ये हुई ना बात, अब जो ज्यादा पैसे देगा ना उसी के साथ लड़की जाएगी। दोनों ने अपनी अपनी जेबें यहाँ पलट दी है। ऐसे तू कल आ जाना, क्या फर्क पड़ता है एक रात में, कल सस्ते दाम में लड़की दूंगा। नहीं, मैं और पैसे लेके आता हूँ, लेकिन वो लड़की मेरे साथ ही जाएगी। ए सेठ ये बाजार है, यहाँ जो सामने आएगा ना उसी को हम हमारा माल बेचेगा, समझे? जैसे किसी के लिए रात नहीं रुकती ना, वैसे किसी के लिए बाजार भी नहीं रुकता। अभी माल है तो फुट, नहीं तो फुट। चल बेसेठ, चल चल जल्दी। अच्छा ये ले गोटिया, एक एक नोट क्या निकलता है, गड्डी निकलना है तो निकाल जल्दी। ये लो। और अब ये लड़की मेरी। अरे ठहर ना, इतनी क्या जल्दी है तेरे को? सेठ इससे ज्यादा है कुछ तुम्हारे पास? गलत बात है महारानी, उस लड़की का सौदा हमारे साथ हुआ था, ये इंसानियत नहीं है तुम्हारी, बेईमानी है सरासर। ए चले चल सेठ फुट, रंडी और भड़वों को इंसान समझा किसने जो हमें इंसानियत सिखाया? ये ले जा, तेरी दुकान पे बैठ और बेईमानी का धंधा कर, हमें ईमानदारी मत सिखा, चल फुट। ए सेठ, आज रात को शादी मनाना लेकिन प्यार से, नई दुल्हन है। ए, तुम्हारा क्या काम है बाकी लड़कियों का? जाओ अंदर। जाओ अंदर।
तू कहाँ जा रही है? तू ठहर इधर, तू ठहर। ए चंदा जा जा जा। अरे शर्माते क्यों हो, जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। देख तेरी कितनी राह देख रही है, जा जा जा। ए लल्लू अपना वो कमरा दिखा इनको। आओ शेख। क्यों बे, क्या हुआ? हाँ? मैं इसे बाहर ले जा सकता हूँ? ओ क्यों नहीं, क्यों नहीं, पैसे दिए हैं तुमने, कहीं भी ले जाओ। लेकिन कहाँ जाओगे, कौन से होटल में? अरे वो सिटीजन होटल में। हाँ, हम लोग का कमरा बुक है वहाँ पे। करीम भाई का? हाँ, वही वही। अरे अपना पहचान वाला है। हाँ। जाओ जाओ जाओ। ए छोकरी, ये मर्द है तेरा आज रात के लिए, खुश कर देना इसे, नाटक नहीं करने का। हाँ? जाओ से जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। ओ अरे जाओ ना, क्यों शर्माते हो बच्चों की तरह, जाओ। और सेठ नाम भी रख देना इसका, गोटिया सेठ। ओ गोटिया सेठ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यही ठहरो आज की रात तुम्हारी चंदा के पास? नहीं सेठ, आज तो मैं भी जाता हूँ। तुमको तो मालूम है आज तक अपन अपनी चंदा के साथ तुम्हारे कोठे पर कभी नहीं बैठा। लेकिन आज बैठना पड़ेगा, जब तक तुम्हारा ये दोस्त लड़की को लेकर वापस नहीं आता ना, तुम यही रहोगे हमारे पास। ए गोटिया, बुरा नहीं मानना, धंधा है भैया, नई लड़की नया ग्राहक, क्या गारंटी लड़की वापस आएगा? हाँ, इसलिए तुम हमारे पास गिरवी कल सुबह तक। अरे जाओ ना सेठ जाओ, और कल टाइम पे आ जाना। नहीं आया तो दोस्त है तुम्हारा हमारे पास। अच्छा चल बोटे चल। चंदा, ए चंदा, बोटिया को अंदर ले जा। आप मेरी रक्षा करने आए और मैंने आपको पहचाना नहीं, ये अभी तक जिंदा है? नहीं नहीं, मरने कैसे दूंगा, आज की रात तुम इन्हें रखो। रात तो रोज आएगी रवि। और रोज रवि भी आएगा। कब तक? जब तक मैं तुम्हें आजाद ना कर दूं तब तक। अब बताओ कहाँ चलें? मंदिर। अचानक क्यों आज भगवान से कुछ मांगने को दिल करता है?